नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साटा रोटी। तो साटा रोटी दो तरह से बनाऊंगी मैं, दो फ्लेवर में, एक तो मसाले वाली और एक बिना मसाले वाली। तो ये मैंने आटा उसन के रखा है, जैसा हम रोटी का आटा उसनते वैसा। इसमें थोड़ा नमक मिलाया मैंने और मसाले के लिए मैंने ये रखा है, ये लाल मिर्ची पाउडर, जीरा, नमक और ये घी है और ये थोड़ा सा पुदीना है। तो चलिए अब हम बनाते हैं साटा रोटी। तो पहले हम सादी वाली साटा रोटी बनाएंगे, घी शक्कर वाली। ये मैंने एक अच्छी बड़ी लोई ले ली है, दो लोई की एक लोई बनाई है मैंने। जैसे एक रोटी की लोई बनाते हैं, ऐसी दो लोई मिला के ये बनाई है। अब इसका हम थोड़ा आटा मन लगा के और बेलेंगे। ये ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं इसको, और इसको लंच और डिनर में भी आप खा सकते हैं। ये बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। ये हमारे यहाँ तो अक्सर बनती रहती है, बच्चों को पसंद है और हमारी मम्मी भी हमें बना के बहुत खिलाया हमने। तो मेरे को याद आया, मैंने कहा साटा रोटी का आपको बताऊं कि किस तरह से बनती है। अभी इसमें थोड़ा घी लगाएंगे। अब इसके रोल कर लेंगे ऐसे। अब इसको ऐसे करके एक बार बेलेंगे। ये थोड़ी मोटी बिलाएगी, बहुत पतली नहीं करनी है हमको। एक बार और इसमें घी लगाएंगे। अब इसको वापस से रोल करेंगे। इसमें थोड़ा सा आटा भुरका देंगे। बस हल्के हाथ से बेलना है इसको, ज्यादा जोर नहीं लगाना है। ये हमारी साटा रोटी बस इतनी। अब ये तवे पे डालेंगे। अब इसको हम पलट देंगे। आंच को मैंने धीमा ही रखा है। अब जब तक हमारी ये साटा रोटी होती है, तब तक हम दूसरी मसाले वाली रोटी बेल लेते हैं। ये दूसरी रोटी हम मसाले वाली बनाएंगे। बीच बीच में वो वाली रोटी भी देखना पड़ेगी हमको। ये हमने इसको अच्छी बेल ली है, पर हमारी वो रोटी हो गई है, इसलिए पहले उस रोटी को सेक लेते हैं। ये अब इसको आंच को थोड़ी सी तेज कर लेते हैं। और इसको कटोरी से ऐसे, जिससे कि ये अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी, पीछे से भी बढ़िया क्रिस्पी हो जाएगी। अभी थोड़ी इसमें कसर है। आज को मैंने धीमा कर दिया, उस रोटी को सीखने में अभी टाइम है। तब तक हम ये थोड़ी प्रोसेस पूरी कर लेते हैं इसकी। ये इसमें घी लगाया, अब इसमें ये थोड़ा सा पुदीना डाल देती हूँ, थोड़ी लाल मिर्ची और थोड़ा सा जीरा। और अब इसका रोल बनाएंगे। ये आप चाय के साथ भी खा सकते हैं इस रोटी।
बस अब इसको हम बेल लेते हैं। अब ये रोटी हमारी सिक गई है, ये देखिए। अब इसको तवे को हटा के और थोड़ी सी आंच तेज करके इसको इस पे सेकेंगे। इसका एक एक कुड़त खुल गया है। ये तो पहले चूल्हे जलते थे तो चूल्हे पे बहुत अच्छी बनती थी रोटी, उसमें अंगारे रहते थे उसके, तो बहुत बढ़िया सोंधी सोंधी खुशबू भी आती थी उसको। ये देखिए अच्छी अकरी अकरी हो गई है। अब इसको आंच को हम कम कर देते हैं। अब ये देखिए हमारी ये रोटी कितनी अच्छी बन गई है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बनी है। अब इसमें हम घी लगाएंगे, इसमें घी भरपूर अच्छे से लगता है, भरपूर। जब तक बिना घी की रोटी अच्छी नहीं लगती है, और ये खाने में ठंड में वैसे ज्यादा अच्छी लगती है रोटी, पर कभी कभी जैसे कि आपको अगर बाटी खाने की इच्छा हो रही है, बाटी नहीं बन पा रही, तो आप दाल के साथ ये साटा रोटी बना के खा सकते हैं। ये देखिए अब इसमें हम थोड़ी शक्कर बुरका देंगे, आप चाहे तो गुड़ भी, गुड़ से भी खा सकते हैं इसको। ये हमारी साटा रोटी घी शक्कर वाली तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब इसको हम इसमें थाली में रख देते हैं। ये थाली में रख दी। अब दूसरी रोटी हम बनाना चालू करते हैं। इसमें एक बार का तो हमने मसाला मिला दिया है, अब इसको बेलेंगे। ये बेल लेते हैं इसको और फिर वापस से एक बार और मसाला इसमें लगाएंगे। अब वापस से इसमें घी लगाएंगे, शुद्ध घी है ये। ये लगा लिया। अब ये जितना हमारा मसाला बचा हुआ है इसमें हम मिलाएंगे। आटे में मैंने नमक डाल दिया था इसलिए अभी नमक नहीं डाला है इसमें। ये पूरा हम डाल देते हैं। अगर आप लोग मिर्ची नहीं खाते तो मिर्ची ना डालें। और ये इस तरह से इसमें थोड़ा सा नमक बुरका देती हूँ ऊपर से। ये देखिए अब इसको वापस से रोल करेंगे। अब इसको हम बेल लेते हैं। ये हमारी मसाले वाली साटा रोटी भी तैयार हो गई है। इसको भी ज्यादा पतला नहीं करना है। इसको आप लंच, अगर कोई सब्जी ना हो और ऐसा लग रहा कि क्या खाएं, तो आप इस तरह से रोटी बना के खा सकते हैं। अब इसको हम तवे पे डालेंगे। अब आंच को धीमा ही रखा है, अब आंच को मैंने थोड़ा तेज कर लिया है। अब इसको पलट देंगे हम रोटी को, और थोड़ी सी हो जाएगी, सिक जाएगी, तब इसको या तो कपड़े से आप कर सकते हैं या फिर कोई कटोरी से इसको दबा सकते हैं। अब इसको थोड़े थोड़े ऐसे दबाते जाएंगे जिससे पीछे से अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी और सिकेगी भी अच्छी। इसको वैसे आप कपड़े से बता देती हूँ मैं आपको, इसको कपड़े से भी ऐसे सेक सकते हैं। ये ऐसे दबाने से ये पीछे से बहुत बढ़िया सिकती है। ये आंच को मैंने तेज कर दिया है। अब इसको वापस से पलट के एक बार फिर कपड़े से करेंगे। ये देखिए अब इसको वापस पलट देती हूँ।
इधर से भी अच्छी सिक रही है। आधी हम तवे पे सेक के फिर गैस के ऊपर सेकेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी बनती है ये रोटी, क्रिस्पी भी है और खस्ता भी है। अब इसको हम इस पे सेकेंगे। क्योंकि हमने तवे पे ही अच्छे से सेक ली है तो अब गैस पे ज्यादा सेकने की जरूरत नहीं है। पर ये इसको तभी बनाए जब सब लोग खाने बैठे तो ये गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। वैसे आप बना के रखें तो इसको चुपड़ के ना रखें घी से, और जब कोई खाने बैठे तब इसको थोड़ी गैस पे गरम करके और फिर घी चुपड़ के दे सकते हैं। ये हमने गैस बंद कर दी है। ये देखिए अच्छी हो गई है, क्रिस्पी भी हो गई है, खस्ता भी हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है ये रोटी। और ये तोड़ के बताती हूँ आपको। ये देखिए अंदर से एक एक पूड़ा खुल गया इसका। इस तरह से आप इस रोटी बनाइए और खाइए। तो यदि आपको मेरा ये दोनों तरह की साटा रोटी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।